Hello everyone, thank you so much for visiting my channel. This is Michelle and I welcome you all on my YouTube channel Shezelle's Family. So guys, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन माय I-130 इमिग्रेशन वीज़ा पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव, स्पेसिफिकली पेरेंट्स, आपकी वाइफ और आपके बच्चे जो कि 21 ईयर से छोटे हों. इन माय केस दिस इज़ फॉर स्पाउस. तो हम सिर्फ मैरिज के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ और कोई मैं लॉयर या कोई भी ऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं हूँ. तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अकॉर्डिंग टू माई इमिग्रेशन पिटिशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो गाइस, मेरी शादी हुई थी ऑन 28th of August 2021 और हमने केस अपना सबमिट करवाया ऑन September 28, 2021. हमारा केस रेडी हो गया था फॉर फाइलिंग. केस हमने किस तरह से सबमिट कराया? हमने केस लॉयर के थ्रू सबमिट कराया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप I-130 पिटीशन लॉयर के थ्रू सबमिट कराएं. इट्स अ वेरी जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप खुद भी फॉर्म में फिल कर सकते हैं. फॉर्म आपको USCIS की साइट से मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी इफ़ इन केस आपको चाहिए. तो फॉर्म आप वहाँ से लें और अपना ऑनलाइन ये पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं. लॉयर के थ्रू जब हमने फॉर्म फिल करवाया वो 28th of September को आगे फॉरवर्ड हुआ थ्रू मेल USCIS को. ऑनलाइन भी गया और थ्रू मेल भी गया USCIS की तरफ, और US की तरफ से हमें एक लेटर मिल गया ऑन October 8, 2021 दैट दे रिसीव्ड आवर केस. तो उनको हमारा केस भाई रिसीव हो गया, उसके अंदर मुझे एज ए बेनिफिशरी बताया गया और मेरे हस्बैंड को एज ए पिटिशनर बताया गया. तो जो स्पाउस आपका जो है पिटिशन फाइल कर रहा होगा वो आपका पिटिशनर होगा और जिसके लिए फाइल हो रहा होगा वो बेनिफिशरी होगा. तो उसके अंदर मेरे नाम, डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी और उन्होंने हमें एक अपना आईडी बना के दिया कि भाई ये आपका इमिग्रेशन केस है. और इमिग्रेशन पिटिशन आपका डिफरेंट उनके सर्विस सेंटर्स में जाता है, जैसे कि नेब्रास्का सर्विस सेंटर, टेक्सास सर्विस सेंटर, कैलिफोर्निया सेंटर सर्विस सेंटर. तो क्योंकि मेरे हस्बैंड कैलिफोर्निया में रहते थे तो हमारा केस गया कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर पे और हमें एक जो है डेट मिल गई कि भाई इस तारीख को हमें आपका केस रिसीव हो गया है. अब आगे हमारे केस को अप्रूवल में कितना टाइम लगेगा ये जानने के लिए हम जा सकते हैं अपनी USCIS की साइट पे और वहाँ पे I-130 को सेलेक्ट करके प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे. तो आपकी सर्विस सेंटर के अकॉर्डिंगली आपको प्रोसेसिंग टाइम मिल जाएगा. सर्विस सेंटर आपके लेटर के नीचे बिल्कुल बॉटम में दिया होता है, आपको वहाँ से पता चल जाता है कि भाई आपका कौन सा सर्विस सेंटर है, जिस तरीके से हमारे लेटर में भी बताया हुआ था कि हमारा कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर है. तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा वेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है. तो आफ्टर 3 months ऑफ कंटिन्यूस वेटिंग हमें January 13, 2022 में एक ईमेल रिसीव हुई USCIS की तरफ से, जहां हमने ट्रैकिंग की हुई थी कि हमारा जो केस है वो एक्टिवली रिव्यूड हो रहा है USCIS की तरफ से, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. इस प्रोसेस के दौरान USCIS हमारे केस को रिव्यू करता है और इन केस अगर आपने अपने फॉर्म में कुछ फाइलिंग मिस्टेक करी हो या कोई चीज़ मिसिंग हो या कोई डॉक्यूमेंट की उनको मज़ीद ज़रूरत हो देखने के लिए, तो वो वहाँ पे आपसे मांग लेते हैं. कुछ लोगों के केस में जहाँ आपका रिव्यू होता है उसके थोड़े दिनों बाद अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन कुछ के केस में डिपेंड्स ऑन USCIS टाइम भी लग सकता है. अच्छा, जहां हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम्स होते हैं वो हर सर्विस सेंटर के काफ़ी हद तक वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वर्कलोड और देयर बैकलॉग्स.
तो उसके हिसाब से वो चलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने 25 मंथ अपना प्रोसेसिंग टाइम लिया हुआ है तो वो आपके केस 25 मंथ तक ही अप्रूव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका केस पहले भी अप्रूव हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है इसको कोई भी नहीं बता सकता। इट्स प्योरली डिपेंड ऑन USCIS कि वो किस वक्त कौन सा केस सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं अपनी मैरिज को किस तरीके से प्रूफ करें कि हमारी एक बोनाफाइड वेडिंग है, रियल वेडिंग है और हम एक रियल कपल हैं। जो कपल साथ रह रहे होते हैं, US में ही रह रहे होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, और जो ओवरसीज़ रह रहे होते हैं स्पाउस, जो साथ नहीं रह रहे होते, कभी एक दूसरे के साथ नहीं प्रमिसेस में रहे होते, तो वो अलग से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग साथ रह रहे होते हैं तो वो एक घर में रह रहे होते हैं, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स और प्लस उनके कुछ बैंक अकाउंट साथ होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स USCIS को एज ए प्रूफ सबमिट करते हैं। लेकिन इन आवर केस, मैं रह रही हूँ पाकिस्तान में और वो रहते हैं कैलिफोर्निया में, तो किस तरीके से हम अपनी मैरिज को बताएं? तो हमारे पास सबसे पहला प्रूफ और सबसे ऑथेंटिक प्रूफ होता है पिक्चर्स। जितनी आपकी पिक्चर्स होंगी उतने आप अच्छे तरीके से अपना केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्चर्स के अंदर आ जाती हैं जो आप जितने टाइम भी आप रिलेशनशिप में रह रहे हो उसकी पिक्चर्स, इस बीच में अगर आप कहीं मिले हैं तो उसकी पिक्चर। अच्छा भाई, तो हमारी जो इंगेजमेंट हुई वो भी ऑनलाइन ही हुई, और हमने एक दूसरे को ऑनलाइन ही देखा, ऑनलाइन ही बातें की, और उसके लिए हमने एज ए प्रूफ हमारे जो मैसेंजर पे और जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे कन्वर्सेशन थी उसके स्क्रीनशॉट्स लिए, और अपनी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके भी स्क्रीनशॉट्स लिए, तो वो हमारा हो गया नंबर वन प्रूफ। प्लस फिर जब वो पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान आने के बाद जब हम इकट्ठे मिलते थे, बात करते थे, शादी की शॉपिंगें होती थी, और इस तरीके से हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे तो एक दूसरे की हम लोग पिक्चर्स कलेक्ट करते थे। सबसे मेन जो आपको प्रूफ आपको देना है वो आपको शादी का, तो शादी की पिक्चर्स, शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। मैं क्रिश्चियन हूँ तो हमें शादी का मैरिज सर्टिफिकेट चर्च से मिला, और हमने नादरा से उसको जो है पाकिस्तान का भी एक जो ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट होता है जो नादरा से मिलता है वो भी बनवाया, विच शुड बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड उर्दू एज वेल, दोनों में ही ट्रांसलेट होना चाहिए, इंग्लिश और उर्दू। नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप देखो तो इसी तरीके का होता है। अगर आपके पास आपका निकाह नामा है तो आपको वो निकाह नामा भी देना है और अपना नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट भी देना है, जिसमें आपके और आपके हस्बैंड दोनों की डिटेल्स आ रही होंगी। प्लस आपको आपका मैरिज की फोटोज देनी है। अब मैरिज की जहाँ पे बात आती है तो इनविटेशन कार्ड तो आपका होता ही है, तो वो इनविटेशन कार्ड, हमारे दो इवेंट हुए थे, मेजर इवेंट मेहंदी का इवेंट और शादी का इवेंट, तो दोनों के हमने इनविटेशन कार्ड्स उनको दी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने USCIS को स्कैन कॉपीज़ के थ्रू दी हैं, कोई भी हमने रियल जो हार्ड कॉपीज़ होती हैं वो नहीं दी हैं उन्हें, सब कुछ स्कैन कॉपीज़ के थ्रू ही दिया है। अच्छा, फिर हमारे पास रिसिप्ट, कैसी कैसी रिसिप्ट, हम लोगों ने वेन्यू बुक करवाया तो उस वेन्यू की रिसिप्ट, हमने फोटोग्राफी करवाई तो वो फोटोग्राफर के साथ जो हमारी हुई थी वो रिसिप्ट, और उसके बाद हमारी ड्रेस हमने परचेज़ किया, ग्रूम का ड्रेस या ब्राइड का ड्रेस, तो उसकी रिसिप्ट, हमने होटल में स्टे किया अपनी शादी के बाद तो वो हमने वो होटल का जो बिल होता है वो भी, उसकी भी कॉपी हमने USCIS को दी। मैसेजिंग हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो गए, ये सब मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। अब हमें CNIC मेरा और CNIC मेरे हस्बैंड का। अगर आपके हस्बैंड ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो उनका ग्रीन कार्ड, और अगर वो US सिटीजन है तो उनका ग्रीन पासपोर्ट, दोनों ही आपको USCIS को देना है। अपने CNIC में जो है हमने अपने, मैंने अपना नेम नहीं चेंज कराया, जो शादी से पहले मेरा नेम था वही था, लेकिन फादर नेम की जगह मैंने ऐड करवाया अपना हस्बैंड का नेम, और नादरा को मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट जब बनवाया तो एज ए मैरिड रजिस्टर भी करवाया।
इसके अलावा अपने पासपोर्ट की कॉपी मैंने दी और पासपोर्ट में भी अपने हस्बैंड का नाम ऐड करवाया। और USCIS को चाहिए थी हमारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो हमने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाई वाइट बैकग्राउंड के साथ, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी जिस साइज में, उस साइज में हमने वो खिंचवाई। अच्छा, हम मैंने आपको बताया कि हमारा केस लॉयर के थ्रू सबमिट हुआ था, जो तो फाइलिंग थी वो लॉयर ने खुद की थी, लेकिन फाइलिंग के लिए जो चीज़ें हमें हमसे उन्होंने मांगी थी वो था एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, आपकी जॉब एक्सपीरियंस रिकॉर्ड दोनों का, पेटिशनर और बेनिफिशरी दोनों का, और आपके रेजिडेंस डिटेल। अब जहाँ पे भी आप रहते हो, जो अगर आपने एक से दो घर चेंज किए हैं तो वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर पेटिशनर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि USCIS को पता हो कि भाई आप का जो आप इस काबिल हो कि आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो, आप क्या जॉब करते हो, आपने टैक्स रिटर्न सबमिट कराए हैं, तो इन सब चीज़ की डिटेल आपको उनको देनी होती है फॉर्म में भी फाइल करके और एज ए डॉक्यूमेंट्स भी। जॉब डिटेल्स, अगर आपने एक से ज़ायद जॉब की हैं तो आप वो सारी डिटेल्स भी देते हो उनको अपने पिटीशन के जो फाइलिंग आप करते हो उसके अंदर। तो ये इसके अलावा जो है मैंने अपने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिए, मैंने हमने अपने बर्थ सर्टिफिकेट दिए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपने हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट, और मैंने हमने जो जो पिक्चर्स क्लिक की थी, हमारे जो इवेंट्स हुए थे, मेहंदी का इवेंट, हमारा शादी का सेरेमनी, फिर रिसेप्शन, उसकी हमने फोटोग्राफ्स। अच्छा, आपने हर इवेंट की बल्क में तस्वीरें नहीं देनी कि पूरा एल्बम ही उन्हें दें, बल्कि दो तीन पिक्चर्स हर इवेंट की डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स के अकॉर्डिंगली आपने USCIS को काफ़ी सारे इस तरीके से पिक्चर्स करके दे देनी है, जिस जो एक नज़र में वो देखें और उनको पता चल जाए येस योर वेडिंग इज़ रियल एंड यू आर अ बोनाफाइड कपल। सो ये थी वो सारी चीज़ें जो हमने दी। अब बात है कि आपका अप्रूवल। सो गाइस, मैं अभी अपने अप्रूवल का करंटली वेट कर रही हूँ। मैंने जैसे बताया जनवरी 13 को मेरा केस रिव्यू हुआ था, बट स्टिल आफ्टर 5 मंथ अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया अप्रूवल आ भी जाता है, तो होपफुली अप्रूवल जल्दी आएगा, और जो जैसे ही आएगा मैं आपको उसकी भी अपडेट दूंगी, और अप्रूवल के बाद क्या स्टेप्स हैं वो आपको बताऊंगी, क्योंकि अप्रूवल इज़ नॉट योर वीज़ा। USCIS अप्रूवल के बाद आगे फर्दर और प्रोसेस जाते हैं, जैसे कि आपका केस NVC को जाता है, NVC फिर आपकी कंट्री में आपके कॉन्सुलेट से जो है बात करता है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, वहाँ पे आपको दोबारा प्रूफ्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे मैं दोबारा मुलाकात करूँगी आफ्टर अप्रूवल, और फिर आपको इन डिटेल सारी चीज़ें दोबारा से बताऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ भी इसके अंदर से और क्वेश्चंस हैं या आपकी कोई इंक्वायरीज हैं तो आप ये कर सकते हैं, मेरे से सजेशंस दें मुझे, और अपने जो भी इंक्वायरीज या क्वेश्चंस हैं आपके तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, आई विल श्योरली कमेंट यू बैक, और मेरे जो भी आपकी अगर कोई क्यूरीज होंगी तो उनको रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देना है थम्स अप और चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।